आज की स्टोरी में हम बात करने वाले हैं ना वैसी लड़कियों के बारे में जिनका हार्ट ब्रोकन हुआ है, जिनका दिल टूटा है, जो इमोशनली डैमेज है, उनका जो बॉयफ्रेंड था उनको छोड़ दिया। जो लड़कियां बहुत इमोशनली वीक होती है, इम्बैलेंस होती है, वो ना आपसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगी, आपसे बात करने लगी, आपको कॉल करने लगी, मैसेज करने लगी, आप में इंटरेस्टेड हो जाएगी, क्योंकि उसको ना सहारा चाहिए अपना दिल का भड़ास निकालने के लिए। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज की स्टोरी में हम बात करने वाले हैं ना वैसी लड़कियों के बारे में जिनका हार्ट ब्रोकन हुआ है, जिनका दिल टूटा है, जो इमोशनली डैमेज है, उनका जो बॉयफ्रेंड था उनको छोड़ दिया। ऐसी लड़कियों से ना आप हमेशा दूर रहो। बहुत ही कमाल की, बहुत पावरफुल वीडियो है, कमाल का मैसेज देने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, जो लड़कियाँ इमोशनल डैमेज होती है, जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है ना, जिनका दिल टूटा है, जिनको कोई लड़का बहुत बुरी तरीका से है ना हर्ट किया है, उनका दिल तोड़ा गया है, उनको छोड़ दिया, ऐसी लड़कियाँ ना एक्चुअली बहुत डेंजरस होती है। ध्यान से समझना, जो लड़कियाँ बहुत इमोशनली वीक होती है, इम्बैलेंस होती है, ठीक है, वो ना आपसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगी, है ना, आपसे बात करने लगी, आपको कॉल करने लगी, मैसेज करने लगी, आप में इंटरेस्टेड हो जाएगी, क्योंकि उसको ना सहारा चाहिए अपना दिल का भड़ास निकालने के लिए। ध्यान से समझना, वरना निकल जाएगा ऊपर ऊपर। वो जो लड़की है वो आप में इसलिए अट्रैक्ट हो रही है, आपके तरफ इसलिए आकर्षित हो रही है, उसका जो अट्रैक्शन है आपके प्रति इसलिए है क्योंकि उसको कोई इंसान का सहारा चाहिए, किसी कंधे का सहारा चाहिए, क्योंकि वो अभी बहुत इमोशनली वीक है, कमज़ोर है, उसका हार्ट ब्रेक हुआ है। ऐसी जो लड़कियाँ होती हैं ना, वो ना अपने साथ एक नेगेटिव एनर्जी को लेकर चलती है। नेगेटिव एनर्जी दैट मीन्स कि वो ना किसी के ऊपर ना पैरासाइट के जैसा रहेगी। आपके अंदर जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, जो भी आपके अंदर पॉजिटिविटी है, वो सारा वो सक कर लेगी, चूस लेगी, और जैसे ही वो ना हील होगी, अच्छा होगी, खुद को क्योर कर लेगी, खुद को बेटर कर लेगी, जब वो इमोशनली स्ट्रांग हो जाएगी, जो वो अपने बैड सिचुएशन से या फिर जो भी उसका पास था, उन सभी चीज़ों से जब वो बाहर निकलेगी, मूव ऑन करेगी, तो वो लड़की आपको डंप कर देगी, छोड़ देगी। ये बहुत सारे केस में होता है, इसको ध्यान से आप समझिए। वैसी लड़कियाँ जो इमोशनली वीक है, इमोशनली डैमेज है, हार्ट ब्रोकन है, और वो लड़की आपको सिर्फ इसलिए यूज़ कर रही है हीलिंग करने के लिए, खुद को बेटर करने के लिए, उस लड़की का इंटरेस्ट आप में नहीं है, ठीक है, उस लड़की को आपके प्रति कोई लाइकिंग नहीं है, वो आपसे प्यार नहीं कर रही है, क्योंकि उसका अभी बहुत जल्दी ही हार्ट ब्रेक हुआ है रिसेंटली, वो कैसे किसी पर ट्रस्ट करेगी, वो नहीं करेगी, वो ना आपसे बस फ्रेंडशिप के लिए कर रही है ना, उसको ना एक सहारा चाहिए, और उस सहारा में वो आपको यूज़ करना चाह रही है ना, वो जो पास्ट में उसका जो बहुत बुरा, बहुत बैड एक्सपीरियंस था थर्ड पर्सन के साथ, उसका जो बॉयफ्रेंड था उसके साथ, उसको भूलने के लिए वो सारा स्टोरी, वो सारा कहानी, वो सारा जो भी उसके साथ हुआ इंसिडेंट, वो सब चीज़ किसी इंसान के साथ शेयर करने के लिए, उसको बताने के लिए आपका यूज़ कर रही है, आपको हीलिंग करने के लिए, हीलिंग प्रोसेस जो होता है ना मूव ऑन में, उसके लिए आपको यूज़ कर रही है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ना जो लड़की का हार्ट ब्रेक हुआ है उसको हेल्प करने चले जाएंगे, है ना, उनको सपोर्ट करने चले जाएंगे, नहीं मांग रही है फिर भी चले जाएंगे, है ना, हम इमोशनली सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हारा फ्रेंड बन के रहेंगे, दोस्त बन के रहेंगे, तो भाई फिर बाद में तुम उसका दोस्ती बन के रह जाओगे। अगर फ्यूचर में कभी तुम चाहे ना, और होगा ही होगा, 95% चांस है उसके प्रति आपका अट्रैक्शन लेवल बढ़ जाएगा, आप उसको लाइक करने लगोगे, उसको पसंद करने लगोगे, बट वो नहीं करेगी, वो आपको एक फ्रेंड के जैसा ही ट्रीट कर रही है, क्योंकि वो हीलिंग प्रोसेस में है, वो खुद को बेटर करने में लगी हुई है, खुद को क्योर करने में लगी हुई है, वो खुद को अच्छा कर रही है, वो आपके लिए वो सब ये सोच ही नहीं रही है। बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अब हम क्या करें, ऐसी लड़की से हम बात कर लिए, उसके साथ कुछ दिन रह गए, अब हम उसको लाइक करने लगे, उसको पसंद करने लगे, क्या करें, आपको जाना ही नहीं चाहिए था भाई। इसलिए यार, कभी भी किसी भी लड़की का अगर हार्ट ब्रेक होता है, वो इमोशनली बहुत इम्बैलेंस है, डैमेज है, उसके पास मत जाओ, उसको सपोर्ट करने का कोशिश मत करो। उसके जो फीमेल फ्रेंड है, उसके फैमिली मेम्बर है, उसके और कलीग जो है, वो सब उसको क्योर कर लेंगे, सपोर्ट कर देंगे, वो अलग चीज़ है, आपकी ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आपका लाइफ डैमेज हो जाएगा। वो अपने अंदर जो भी निगेटिव एनर्जी को लेकर घूम रही है, वो सब आपके ऊपर डाल देगी। आपके अंदर का जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी आप हैप्पी घूम रहे हो, स्माइल कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, अब डैमेज हो जाएगा, आपका उसके प्रति लाइकिंग बढ़ जाएगा, वो लड़की आपको लाइक नहीं कर पाएगी। इसमें लड़की की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो ना अभी इमोशनली बहुत डैमेज है यार, वो कैसे किसी भी लड़का पे ट्रस्ट करेगी, कैसे किसी भी लड़का को प्यार करने लगेगी, उसके साथ कैसे रिलेशनशिप में चले जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है यार, वो अपने जगह पे बिल्कुल परफेक्ट है, उसकी कोई गलती नहीं है, यहाँ पे लड़कों की गलती होती है। इसलिए कभी भी किसी भी लड़की का ब्रेकअप होता है, वो अभी अपने इमोशंस में जूझी हुई है, उसमें बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है, इमोशनल डैमेज है ना, वो अभी इमोशनल इम्बैलेंस को झेल रही है, वो मेंटली भी स्ट्रांग नहीं है, हैप्पी नहीं है, मत जाओ उसके पास, अदरवाइज आपका लाइफ जो है ना वो ख़राब हो जाएगा, है ना, आप फिर रोते फिरोगे। बात समझ में आई? इसलिए कभी भी ऐसी लड़की को सपोर्ट करने का कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ना एक मेल हो, आप एक लड़का हो,
और वो जब लड़की है आपका अट्रैक्शन हो ही जाएगा ना चाहते हुए भी। अगर एक फीमेल उसकी कोई फ्रेंड है वो उसको सपोर्ट करेगी, उसको संभालेगी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका जो है ना उसके प्रति ना अट्रैक्शन लेवल बढ़ जाएगा, आप उसको लाइक करने लगोगे, पसंद करने लगोगे, है ना। उसके लाइफ में जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ उसके पास्ट में, उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ जो उसका बॉयफ्रेंड था, वो भी जो भी उतार चढ़ा, वो सब चीज़ आप जानोगे, आपको बताएगी, आपके साथ शेयर करेगी, एक कनेक्शन उसके साथ आपका बिल्ट हो जाएगा और वो कनेक्शन आपको बाद में इतना चुभने लगेगा, है ना, फिर आप उसको छोड़ ही नहीं पाओगे। फिर जब वो लड़की अपने आप को बेटर कर लेगी, स्ट्रांग बना लेगी, फिर वो कहीं और निकल जाएगी, है ना, फिर आपको बड़ी बुरा लगेगा क्योंकि वो आपको कभी वैसा देखी ही नहीं है, कभी वैसा ही आपको उस नज़र से देखी ही नहीं, बॉयफ्रेंड की नज़र से, वो तो आपको फ्रेंड मान रही थी, दोस्त मान रही थी, आप प्यार कर बैठे। इसलिए कभी भी ऐसी लड़की को सपोर्ट या हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको हेल्प करने के लिए उसके फ्रेंड, उसके दोस्त यार, फीमेल में उसके घर फैमिली और भी बहुत सारे दुनिया में लोग हैं, या फिर कोई और उसको हेल्प कर देगा, वो निकल जाएगी, मूव ऑन कर जाएगी। बट आप इस चक्कर में मत पड़ना, अदरवाइज आप बहुत बुरे तरीके से फंसने वाले हो। फिर वो लड़की भी नहीं मिलेगी और आप इमोशनली बहुत डैमेज हो जाओगे। उसको तो आप मूव ऑन करा दोगे, निकल जाएगी वो बाहर, कहीं और निकल जाएगी उसके बाद, लेकिन आपको कोई मूव ऑन नहीं कराएगा, फिर आप फंस जाओगे बहुत बुरे तरीके से। इसलिए ऐसी गलती कभी मत करना, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्त और फ्रेंड उनको ये वीडियो जरूर दिखाइए, ठीक है। और अगर आपके लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे चैनल पर हर एक टॉपिक पर वीडियो अवेलेबल है, जाओ और आप उसको देखो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली, ठीक है। तो फिर आज के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर।